अच्छा लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है खाने में। तो आप लोग एक बार मेरी रेसिपी को जो है मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर कोई ग्रीन मसाला नहीं भी खाता है तो इंशाल्लाह वो खाने लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है जुम्मा और आप सबको मेरी तरफ से जो है जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोग मुझे ज़रूर आज दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आज जुम्मा है, जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारी छोटी ईद है, तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खास जो है बच्चों के पसंद का और हस्बैंड के घर वालों के पसंद का जो है मैं हरे मसाले का सालन बनाने जा रही हूँ, जिसे आप जो कि मैं बीफ में बनाऊँगी, अगर आप चाहो तो इसे मटन में भी बना सकते हो। तो ग्रीन ग्रेवी मैं आज बनाऊँगी जो बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप लोग एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मतलब का मसाले भी मतलब जो घर के हमारे मसाले होते हैं, कहीं बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी घर में अवेलेबल होता है वो उसी मसालों से हम बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने बॉईल कर लिया है बीफ को, ये बीफ है ये 1 kg है। तो इसे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज और आधा टी स्पून जो है मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा हल्दी नमक और पानी डालकर मैंने इसे बॉयल कर लिया है। तो कम से कम 4 से 5 सीटियाँ मैंने इसे लगाई हैं इसकी प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। और साथ में मैं 4 सब्ज़ी इलायचियाँ यानी ग्रीन इलायची, थोड़ी काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 तेज़ पत्ते और ये जो है बड़ी इलायची है जिसके बीजों को मैं मसालों में पीसूंगी। ठीक है, तो ये हमारे बघार का मसाला है सालन को जो हम बनाए हैं। 1 जोड़ी पूरी धनिया है जिसे मैंने साफ के अच्छे से देखिए धो लिया है। और फिर साथ में 1 मीडियम साइज़ की छोटी साइज़ की प्याज है और 1/2 से 1 इंच का जो है 1 इंच का समझिए अदरक का टुकड़ा है और 1 गांठ पूरी लहसुन की कली है, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और हरी मिर्चें हैं क्योंकि हरी मिर्ची जो जो मतलब वो सूखने पर आ गई थी, वो मिर्चियाँ मैं पहले यूज़ कर लूँगी ताकि हमारा मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट ना जाए। अब उसी के साथ जो है 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 3 से 4 जो है ग्रीन इलायची ली है, तो 10 से 12 काली मिर्चें ली है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और जावित्री और बादियान है यानी जिसे चक्री फूल भी कहते हैं, लौंग है 3 से 4 और साथ में ये जो इलायची के छिलको इलायची के अंदर जो दाने होते हैं ना, इसे मैंने मसालों में मैं पीस लूँगी और साथ में ये जो छिलके हैं इसे मैं बघार में ले लूँगी। ठीक है, तो अब इन दोनों मसालों को हम साथ में लेकर पीस लेंगे। ये मिक्सर जार मैंने ले लिया है, अब इसमें सारे खड़े मसाले मैं डाल दूँगी। पहले मसाले हमेशा खड़े मसाले पहले डालिए ताकि वो अच्छे से पीस जाए। अब सारे जो ये ग्रीन मसाले हैं मतलब जितनी भी ये बाकी का, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से वो भूल जाए। इसमें ज़ीरा गिर गया था पानी में तो आप ये मत कीजिएगा। तो इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे हम। देखिए गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें तेल ऐड कर देंगे हम, जो प्याज खड़े मसाले हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह बोलकर। बिस्मिल्लाह अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे, ऐसा मसालों में खुशबू आने देंगे इसमें। और ये देखिए मसाला भी पिस चुका है, अभी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हम इसको होने देते हैं, पहले से हल्का सा मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। मैं 1/2 चम्मच जो है इसी में हल्दी डाल दूंगी, आप कभी भी अगर हल्दी पहले डालोगे ना तेल में तो ये बहुत अच्छा कलर छोड़ती है मसाले में सालन में। तो ये तेल 1 से 2 चम्मच जो है मैंने यानी छोटा छोटा चम्मच है मैंने हल्दी का डाल दिया, अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। हल्दी जलेगी नहीं, आप टेंशन मतलब प्याज जो है थोड़ी बस और हो जाए, हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए। अब जो है हम मसाला डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाह, अच्छे से मसाले को भून लेंगे 1 मिनट तक मीडियम गैस पर। इतना भी जार में जो है मसाला लगा है, इसे भी थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें डाल दूंगी। चम्मच नमक भी डाल देंगे हम ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाए। मसाले को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे जो है धीमी आंच पर इसे थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। धीमी आंच पे जो है हम मसाले को पकाएंगे कवर करके लगभग 5 से 7 मिनट तक, पर हम फास्ट गैस करके इसे भूजेंगे। तो धीमी आंच पे पकते हुए इसे 10 मिनट हो चुका है, देखिए। अब मैं गैस को फास्ट कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से भूजूंगी। भूजना बहुत ज़रूरी है ताकि मसालों की जो रॉ स्मेल है, कच्ची स्मेल है, वो निकल जाए और जो हमारी जो सालन की जो ग्रेवी है वो अच्छी बने। जब जैसे जैसे हमारा मसाला भूनता जाएगा ना, तो जो ऑयल है वो ऊपर होता जाएगा और ये सेपरेट होता जाएगा। तो ये एक निशानी होती है कि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और जो वो मसाला जो है वो पतीली को छोड़ने लगता है। अब ये देखिए, ये तो मेरी जर्मन की कढ़ाई है, अगर आपकी नॉनस्टिक है तो फिर थोड़ा और जल्दी हो जाएगा आपका। इस 5 से 7 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी ताकि इसका जो अच्छे से जो इसका टेस्ट है वो निकल कर बाहर आए। चूँगे जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, आप देख सकते हो ऊपर आ रहा है सरफेस पर। तो इसे एक बार और अच्छे से घुमा लेते हैं
अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे जो है हम जो हमने जो मटन बॉईल किया था, बीफ मटन जो भी है ये देखिए, इसे हम ऐड कर देंगे। अब मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए खूबसूरती तो देखिए यार, मुँह में पानी आ रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में, पूरा घर महक रहा है। और ये जब बनेगा ना तो आप इसे छोड़ोगे नहीं, इतना लजीज बनेगा, इतना मज़ेदार ये बनता है। और सच में बहुत मज़ेदार बनता है यार, अगर आपका वोज बहुत अच्छा हो ना तो बहुत अच्छा बनेगा ये। और फिर मटन में तो इसके क्या कहने, फिर भी मैं तो बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में बनाइए इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। देखिए तो इसे अच्छी तरह से हम गैस थोड़ा फास्ट कर लेंगे अब, और थोड़ा इसको भूजेंगे। मसाला जो है गोश में अच्छी तरह से चले जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है इसे मैं थोड़ा कुकर में, देखिए थोड़ा इसका मटेरियल है तो इसे मैं पानी डाल के वो भी डाल दूंगी इसे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मसाला बहुत गाढ़ा था ना, अगर मैं पानी नहीं डालती ना तो ये नीचे जल्दी पकड़ लेता। तो इसके लिए आपको भी याद रखना, अगर मसाला गाढ़ा हो जाए और हमको सालन अभी और पकाना है तो आप उसमें पानी ऐड कीजिए। अगर गर्म पानी डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने तो लेकिन ठंडा डाला है क्योंकि मैंने पानी गर्म नहीं किया था। ये अभी से फास्ट गैस पर कवर करके हम इसे 5 मिनट के लिए एटलीस्ट पकाएंगे, फिर उसके बाद जो है देखते हैं बना के आपको बताएंगे। माशाल्लाह से हमारा सालन कितना अच्छा, उसका मतलब ग्रेवी कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह, और जितना अच्छा लग रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है खाने में। तो आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आप इस पोजीशन पे गैस को बंद कर दीजिए, अगर आपको बहुत थोड़ा और ड्राई चाहिए तो आप थोड़ा सा गैस और 5 मिनट इसे पका लीजिए। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावलों के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या ज़ीरा राइस के साथ खाइए, या प्लेन राइस के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक बार मेरी रेसिपी को जो है मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर कोई ग्रीन मसाला नहीं भी खाता है तो इंशाल्लाह वो खाने लग जाएगा। आप लोग भी इसे खाइए, इंजॉय कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको आई होप आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, बस एक बार ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।